दोस्तों आपको हम आज कुछ ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ। देखो बैंक के अंदर पानी जा रहा है गाइस। देखो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस तो हम लोग जा रहे थे फैजाबाद, हम थे और संतू भाई थे पीछे खड़े हैं, और अभी रास्ते में एकदम रात हो गई। पता है कितने बजे? अभी 2:30 बज रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है पूरा तरीके से एकदम रात हो गई है, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा हो गया है। अभी आइए आपको संतू भाई से मिलवाते हैं। दोस्तों देखिए मौसम कैसा हुआ है, अभी एकदम से बारिश होने लगी है अचानक से। घर से निकले तभी मौसम ख़राब था, बट अभी एकदम बारिश होने लगी। हम लोग सोचे कि पहुंच जाएंगे, बट अभी देख रहे हो अभी इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है कि लोग लाइट जला के चल रहे हैं गाड़ियों में। आइए हम आपको सल्लू भाई से मिलवाते हैं। ये रहे हमारे सल्लू भाई। हेलो भैया, हेलो, कैसा लग रहा है ये बताओ? ये मौसम कैसा लग रहा है बताओ? मौसम कैसा लग रहा है? मौसम सल्लू भाई बोले बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, अभी वो एकदम बोले एक शर्ट और पहनने क्या, एकदम ठंडी लग रही है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पूरा एकदम लाइटें जल रही हैं, लग रहा है कि रात हो गई है। देखिए एकदम अभी तक तो हवा चल रही है, पर अभी पानी बरसने लगा ना, तो इसलिए वजह से धूल नहीं उड़ी, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी। और जो सामने दुकान लगी है उनके जो है जो सामान रखा है उनके दुकान पे सारा उड़ रहा था। अभी एकदम यार अंधेरा हो गया है, ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, देख सकते हो। और सभी जो आ रहे हैं सब लोग आके यहीं पर रुक रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो फिर कौन जाएगा बारिश में, एकदम कपड़ा वपड़ा सब खराब हो जाएगा, भीग जाएगा, ठंडी लग जाएगी, और उसके बाद तबीयत भी ख़राब हो सकती है। आप लोगों ने सल्लू भाई को देखा, अभी आपको दिखाते हैं वो क्या कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं यहीं पे जैसे ये डॉगी बैठा है ना, ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे खोद लेंगे, इसी में हम लोग ही बैठेंगे, ठंडी नहीं लगेगी। ये बताओ ठंडी से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठंडी से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो हम और सल्लू भाई यहीं पे वेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं मौसम कितनी देर में ठीक हो जाएगा। अभी ठीक हो जाएगा उसके बाद तुरंत निकलेंगे, और सल्लू भाई को फैजाबाद जाना है, कल से उनकी ड्यूटी है। आप लोग तो जानते ही होंगे वो क्या करते हैं, उनका बर्थडे वाला ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा। दोस्तों आपको तो मेरी वॉइस एकदम बेकार सी लग रही होगी पीछे से, क्योंकि आवाज़ हो रही, जनरेटर चल रहा है, यहीं पर बैंक है, हम लोग यहीं पर रुके हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है। अभी इसके पिलर के पीछे आया हूँ तो शायद ये आवाज़ जनरेटर की आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही होगी। तो आइए आपको दिखाते हैं गाइस। ये देखिए कितने ज़्यादा पानी आ रहा है, ये हमें लग रहा है ऊपर का पानी आ रहा है पूरा, ये ओवर ब्रिज का पानी है। देख लीजिए गाइस काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हैं एकदम मौसम लग रहा है कि नाइट हो गई है, नहीं तो आपको अच्छे से दिखता बारिश। अभी यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा पानी आ रहा है, हम लोग ओवर ब्रिज के नीचे खड़े हुए हैं। सल्लू भाई मोबाइल में लगे हुए हैं अभी। कितनी देर में चलना है ये बताओ भैया जी, कितनी देर में चलना है? दोस्तों अभी हम बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ इंतज़ार करिए बारिश रुकने का, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों तो सल्लू भाई अभी गए हैं थोड़ा सामान खरीदने, और ये रही सल्लू भाई की बाइक, इसमें आगे पुलिस लिखा था पर उन्होंने लगता है हटवा दिया, अभी इस पर बताया चिन्ह था बना। और ये रहा सल्लू भाई का बैग, और ये रहा हमारा बैग, हम दोनों लोग जा रहे हैं फैजाबाद। मौसम की गड़गड़ाहट देख रहे हो आप लोग, बादल एकदम से गरजने लगे हैं अभी, बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, बिजलियाँ गिर रही हैं आसमान से। दोस्तों आपको हम आज कुछ ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ, देखो बैंक के अंदर पानी जा रहा है गाइस। देखो सामने देखो ये है बड़ौदा बैंक, तो बड़ौदा बैंक के अंदर पानी जा रहा है। देखो ये लोग फावड़ा लेके दिखे हैं उसको बांध रहे हैं, और ये भाई साहब की दुकान है वारसी जन सेवा केंद्र, इनके दुकान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अभी इसका जो है सड़क जो है बन रही है ना, फोर लाइन ये बन चुकी है, बट जो है नीचे से जो फुटपाथ बनता है वो अभी बना नहीं है, इसीलिए वजह से जो है पानी देखो उनके दुकान के अंदर चला गया।
भाई साहब कैसे बैठे हुए हैं, पूरा एकदम मेरे कैमरे पे पानी पड़ गया इसलिए सही दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। अभी कैमरा साफ करता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, देखिए अभी मैंने कैमरा साफ किया उसके बाद फिर से दिखा रहा हूँ। अभी हवा चल रही है ना इसलिए बौछार से पानी कैमरे के ऊपर पड़ जा रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा। अभी वो भाई साहब अंदर चले गए, वो बैठे हैं तो सामने खड़े हैं, उनकी दुकान के अंदर पूरा एकदम पानी भर चुका है। और ये भाई साहब अभी बैंक के अंदर पानी जा रहा है तो उसका पूरा नाली टाइप में बना दिए हैं, अभी उनके बैंक के अंदर पानी नहीं जा रहा है। और इधर देखो ये लोग ठंडी के मारे एकदम सिकुड़ सिकुड़ के खड़े हुए हैं, देख लो इन सबको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और ये हमारे सल्लू भैया जी जो कि घूम रहे हैं, और देख सकते हैं आप लोग कितने ज़्यादा बारिश हो रही है। दोस्तों मौसम तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया, एकदम साफ हो गया है, थोड़ा उजाला भी हो गया है, बट जो है अभी जो है बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। हम लोग इतनी ज़्यादा देर से वेट कर रहे हैं हम लोग, बट अभी मौसम जो है एकदम पानी पे पानी गिरे जा रहा है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, लगभग आधा घंटा से तो ज़्यादा हो गया हम लोग को यहाँ पर रुके हुए। अब सल्लू भैया अपने होटल में लगे हुए अपने काम से, अभी वेट करते हैं, आप भी वेट करिए हमारे साथ। बारिश अभी रुक चुकी है पूरी तरीके से, अभी हल्का हल्का एकदम से बारिश हो रही है, बट अभी हम लोग निकल रहे हैं, भैया भी हैं साथ में, हम दोनों जा रहे हैं। दोस्तों जब हम लोग ओवर ब्रिज के नीचे थे हमने सोचा पानी बंद हो गया, एकदम हल्का हल्का बारिश हो रही, बट जैसे ही बाहर निकले देख रहे 500 मीटर में गए हैं पूरा शर्ट देख चुके, भैया भी देख चुके हैं एकदम, देख सकते हैं। अभी हम यहाँ ओवर ब्रिज के पास में ही हैं, देख रहे हो अभी ओवर ब्रिज के नीचे थे, अभी यहाँ ख़त्म होने वाली है बस, बहुत ज़्यादा 200 मीटर आए लेकिन एकदम से भीग गए। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी देखते हैं कितने टाइम लगता है पानी निकलने में, शाम का पानी है बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैं दो दिन से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि लाइट का हड़ताल चल रहा था और फ़ोन चार्ज नहीं था, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, आप लोग बुरा मत मानिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।